सोहिल ने उनके ऊपर कुर्सी फेंक के मारी थी, झगड़ा हुआ था। हमें कंफर्म्ड सोर्सेस से पता चला है कि वो जो सीनियर एक्टर है वो दिलीप जोशी जी, जो जेठालाल का किरदार करते हैं वही है जी। तुमको पता तुम प्रेग्नेंट लग रही हो। ये तन्मय एक्टर बहुत अच्छे हैं पर को एक्टर बहुत खराब है। एक्चुअली अस्सी जी को मेरे से बहुत प्रॉब्लम थी, उनको लगता था कि ये बंदी इसकी हिम्मत कैसे होती है मेरे से बदतमीजी करने की या मेरे से मिसबिहेव करने की। इसका बाप मर गया था मैंने पैसा दिया, इसका भाई मर गया था हमारे पैसे पर ट्रीटमेंट हुआ, इसका ये हुआ हमारे पैसे पे। भाई तुम्हारे पैसे पे कुछ नहीं हुआ है, सीट में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। ऐसे दस असद मोदी भी आ जाएंगे तो नहीं चेंज कर सकते हैं वो। अगर मुझे मेरे नसीब में बहुत अच्छा कुछ लिखा हो तो मुझे मिलेगा ही। तुम्हारी औकात क्या थी यहाँ पे, सबको मैंने बनाया है, जिसके पास जो कुछ है वो मेरा दिया हुआ है मैंने। तुमको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए अपने, क्लियर चाहिए तो ठीक है बॉन्ड साइन करो, मीडिया में नहीं जाओगी हम क्लियर कर देंगे। भगवान बंद कर दे शो को, हमको काम नहीं करना है। तो और छोड़ने के बाद वो पैसे नहीं देते किसी के, इस लेवल के साइको भरे पड़े हैं वहाँ पर। फ्रेंड उल्टा सीधा बोल दिया मुझे कि तुमको कहीं काम नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं। देन मैंने सोचा कि अभी बिल्कुल काम नहीं करूंगी। काफ़ी सारे मैसेजेस की, कॉल की, ऑफिस भी गई दो तीन बार, नहीं दिए उन्होंने मुझे पैसे, मना ही कर दिया साफ। अगर आप सही हो, जेन्युइन हो, तो आप मुझे लगता है 10-15 आर्टिस्ट शो छोड़ चुके हैं, क्यों फिर। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना, मैं हूँ खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ है, इनके बारे में क्या कहूँ। ये ब्यूटीफुल है, ये बिंदास तो इतनी है कि डंके की चोट पर बोलती है, और जब भी कोई इनसे पंगा ले लेता है तो वो बंदा खुद अपना सर पकड़ कर बोलता है हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई। ये जिस शहर से आती है उस शहर में सलमान खान ने बचपन गुजारा है, कुछ सालों के लिए स्कूलिंग उनकी वहां से हुई है, और उसी शहर ने हमें दिया है कार्तिक आर्यन जैसा सुपरस्टार, और सेम शहर से एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर ये भी आ गई मुंबई, और इनका सपना पूरा भी हुआ। आज हम बात करेंगे ग्वालियर की मोनिका भदौरिया और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बावरी जी से। वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मोनिका जी, तारक मेहता की बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले, तारक मेहता से पहले, मोनिका भदौरिया की क्या जिंदगी थी, ग्वालियर में बचपन कैसा था, ये सब हम जानना चाहेंगे। अमेजिंग लाइफ थी मेरी। फैमिली बहुत यू नो बोलूँगी स्ट्रॉन्ग फैमिली है मेरी। ग्रैंड मॉम, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर रहे हैं। सो बचपन से ही मैंने अपने घर में वो चीज़ देखी है कि कुछ गलत होता है तो कैसे आप उसके खिलाफ बोलो या चीज़ें करो, ये मैं हमेशा से देखती आई हूँ। मेरी ग्रैंड मॉम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अभी ही उनकी कुछ एक साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। सो आई वॉज वेरी क्लोज टू हर, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। और पॉलिटिक्स में है मेरी फैमिली। मेरी ग्रैंड मॉम जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से MLA रह चुकी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। सो एक यू नो बहुत बोल्ड काइंड ऑफ यू नो एनवायरमेंट था मेरे अराउंड जिसमें मैं पली बड़ी हूँ, तो बहुत अच्छा रहा मेरा बचपन। और फिर यू नो घर छूट गया यहाँ। फैमिली में कौन कौन है और ग्वालियर के किस एरिया में आपका बचपन बीता है? फैमिली में मेरी फादर है, मेरा ब्रदर है, मतलब जिसकी अभी शादी हुई है रिसेंटली, तो मेरी भाभी भी आई है नई, और मेरी मॉम की तो डेथ हो गई कैंसर से, जैसे मैंने बताया था पहले, और मेरी ग्रैंड मॉम की भी अभी ही डेथ हुई है कुछ दिन पहले। सो फैमिली में तो यू नो अब बहुत कम लोग रह गए हैं। सो और ग्वालियर के पास एक जगह है गोहद करके, छोटी सी छोटा सा कस्बा है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, और उसके बाद में स्कूलिंग हुई है ग्वालियर से। फिर यू नो देहरादून चली गई थी मैं, कुछ समय मेरी वहाँ पर मेरी स्टडी हुई है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। देन यू नो आई गॉट चांस टू कम हेयर इन मुंबई। फिर मैं मुंबई आई और तब से कहीं गई नहीं हूँ। 10 years स्टूडेंट कैसी थी आप? अच्छी थी। मैं बहुत यू नो आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन सिंस माई चाइल्डहुड, आई एम वेरी क्रिएटिव। तो मुझे बहुत सारी यू नो चीज़ें बहुत गॉड गिफ्टेड हैं, जो मुझे लोग पूछते तुम कैसे करती हो, बट मैं बहुत सारे आर्ट की चीज़ें करती हूँ, स्कल्पचर्स बनाती हूँ या पेंटिंग्स करती हूँ, बहुत सारा यू नो क्राफ्ट का बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जो जो गॉड गिफ्टेड है, जो मैंने कभी सीखा नहीं है। बट आई डोंट नो, जब मैं बनाने कुछ बैठती हूँ तो बहुत ही कमाल की चीज़ बनती है। सो तो क्या आप बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? बचपन से एक्ट्रेस तो नहीं बनना चाहती थी, बट मैं इतनी क्रिएटिव थी कि मुझे पता था कि मैं कुछ अच्छा ही करूँगी लाइफ में, क्रिएटिव फील्ड में जाऊँगी, और अपनी यू नो मेरी जो एनर्जी है, क्रिएटिव कॉलिंग है मेरे अंदर, वो मैं उसको पूरा करूँगी जो भी मेरी जिस भी क्रिएटिव फील्ड में रहूँगी। सो फिर मुझे बॉम्बे आने का चांस मिला, और मुझे एक शो मिला, उसके बाद फिर तारक मेहता मिला, ऐसे एक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। कब आपने पहली बार कैमरा फेस किया या ग्लैमरस इंडस्ट्री में कदम रखा?
मैं आई थिंक 2013 में मुझे एक शो, मैं आई थी बॉम्बे और मुझे एक शो मिला था, एक कैमियो किया था. बॉम्बे क्यों आई थी, मतलब आप देहरादून में आपने किया था? बॉम्बे मेरे फ्रेंड्स थे और बॉम्बे देहरादून में मॉडलिंग करती थी, बहुत सारे ब्यूटी यू नो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी. और आपने किताब भी जीता है मिस ग्वालियर. हाँ, बहुत सारे लॉट ऑफ यू नो टाइटल्स हैं. तो उसके बाद मुझे, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बॉम्बे में थे और उनसे मेरी बात होती रहती, तो वो मुझे बोल रहे थे हम ये कर रहे हैं, आ जा बॉम्बे में, हम लोग अच्छा काम करते हैं. तो मैं उनसे मिलने आई थी, फिर मैंने भी काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, स्टार्ट किया और फिर मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं मेरा फर्स्ट यू नो डे था शूट का. उसके बाद फिर मुझे एक और शो मिला, इस प्यार को क्या नाम दूँ, वहाँ से मुझे कितनी पेमेंट मिली थी छोटे 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 उसका तो मुझे अभी तो नहीं याद है, मे बी आई थिंक 5,000 पर डे समथिंग, क्योंकि मेरा वन डे का कुछ था. अच्छा अमाउंट था स्टार्ट करने के लिए तो. हाँ, और सीखने के लिए, बिकॉज इंडस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं था मुझे. उसके बाद फिर इस पे आपको क्या नाम दूँ शो मिला मुझे और मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया. उसके बाद आई गॉट तारक मेहता का उल्टा चश्मा. कैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा? तारक मेहता की वेरी यू नो फनी स्टोरी बिहाइंड इट. मेरी एक दोस्त थी सोनाली, शी वांटेड टू डू तारक मेहता. तो उसका, मैं उसके घर पे गई हुई थी एक दिन, तो वो मुझे बोल रही तारक मेहता के ऑडिशन चल रहे हैं, मेरे को जाना है. उसकी मम्मी ने बोला जा देकर ऑडिशन, तो मुझे बोलती है कि चल चलते हैं. तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं करना. बोलते अरे यार कौन सा, हम ऑडिशन देने जा रहे हैं, चल ना. तो ऐसे हम उसने मुझे फोर्स किया, तो देन मैं साथ में गई उसके और उसने ऑडिशन दिया. फिर वो स्क्रिप्ट मेरे पास थी बहुत देर तक, क्योंकि वो चली गई थी ऑडिशन देने. आपने बाबरी के किरदार के लिए ही दिया था ऑडिशन की किसी और के? नहीं नहीं, बाबरी के लिए ही दिया था. फिर उसने मुझे फोर्स किया कि तुम ऑडिशन दो ना यार, अब आ गए हैं इतना दूर तक. तो मैंने बोला लेकिन मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं है, मैं कुछ कैरी करके लेके नहीं आई, क्योंकि मुझे देना नहीं था. तो उसने बोला कि मेरे पास है, देन अपने फोर्स किया उसने मुझे और मैंने ऑडिशन दिया. तो मैं कुछ प्लान करके नहीं गई थी, वो गई थी प्लान करके. देन फिर हम दोनों को कॉल आया, तो देन शी वॉज वेरी हैप्पी. मुझे कॉल आया, तेरे को भी आया ना, चल चलते हैं वापस. हम लोग आए थर्ड टाइम, फिर मुझे फ़ोन आया उन लोगों का. तो मैंने बोला आप क्या लीड के ऑडिशन कर रहे हो क्या, कॉलिंग में अगेन अगेन, मेरे को नहीं आना. तो दोस्त ने मुझे फोर्स किया बंदे ने कि अरे आपको पता नहीं है, आपका बहुत चांसेस है, इसके लिए बार फोर्स कर रहे हैं आपको, इसलिए बोल रहे हैं, एक बार लास्ट बार बुला रहे हैं, एक बार लास्ट बार आ जाइए. तो मैंने ठीक है, तो मैं लास्ट बार मैंने सोनाली को फ़ोन किया, तो शेड्यूल में कि नहीं है, मुझे कॉल नहीं आया. तो मैंने कहा सॉरी यार, तो बोलते हैं जाना कॉल आया. तो फिर मैं आई और फिर मेरा फाइनल लुक टेस्ट किया इन लोगों ने, तो इन्होंने फिर मुझे सेलेक्ट किया. और क्या लाइंस बुलवाई थी आपको ऑडिशन में पहली बार? ऑडिशन में एक गुजराती गर्ल काइंड ऑफ स्क्रिप्ट थी, वो बाद में उन्होंने चेंज किया कि वो लड़की है जो बाबरी, वो यूपी से है और ऐसा सब बाद में उन्होंने किया. पहले नहीं था, पहले कोई गुजराती स्क्रिप्ट दी थी उन्होंने, वो थी. और जब आपका सिलेक्शन हो गया तब कैसी फीलिंग थी? तारक मेहता देखती थी उससे नहीं, 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 मेरे लिए बहुत सारे लोग मुझे देख के बहुत सरप्राइज थे. उन्होंने मुझे बोला तारक मेहता नहीं देखा, तारक मेहता नहीं देखा. तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने कहा हाँ नहीं देखा मैंने कभी भी. तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, काम करते हैं, हम आपको कुछ एपिसोड दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम किस चीज़ में कास्ट कर रहे हैं, क्या है. फिर उन्होंने मुझे तन्मय के साथ के कुछ एपिसोड दिखाए थे, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, नाम सुना था पर देखा नहीं था. तो फिर उन्होंने दिखाया कि ये है तन्मय विकरिया, इनके साथ पे आपका रोल रहेगा या ये चीज़ें हैं. तो मैंने कहा ओके. फिर ये, और फिर उन्होंने काफ़ी सारे प्रॉमिसेस किए, तो मैंने एग्री, मतलब मुझे लगा कि ठीक है, मैंने एग्री किया. क्या प्रॉमिस कि अभी तुम हाँ कर दो, ये 3 मंथ्स के बाद तुम्हारा ये पेमेंट रहेगा और नंबर ऑफ डेज मैंने बोला बहुत कम है. तो उन्होंने बोला वो भी सब अच्छा सा रहेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर मैं खुद इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. तारक मेहता जी ने बोला था, असित जी ने, तारक मेहता की जो राइटर जो है तारक मेहता, उन्होंने जो ये स्क्रिप्ट लिखी है तारक मेहता की, जो उनका जो बुक है तारक मेहता की, तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे हैं, बट ये कैरेक्टर मैं खुद इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बाबरी का, ये मेरा क्रिएशन है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ. तो आई वाज लाइक कि प्रोड्यूसर खुद क्रिएट कर रहा है या इतने सारे प्रॉमिसेस कर रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा ही कुछ करेंगे. तो फिर भी मैं कन्फ्यूज थी, आई कॉल टू सोनाली कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं. तो उसकी मम्मी ने फ़ोन लिया, बोलती है उनकी मम्मी इज लाइक वेरी बोल्ड काइंड ऑफ लेडी, तो बोलती है चल कर लेना, नाटक मत कर. मैंने कहा कर ले अच्छे से, मना मत कर, बाद में छोड़ देना, नहीं करना हो तो अभी हाँ करके ही आना घर. तो मैंने कहा ठीक है. फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने जितने प्रोमिसेस किए थे, तो मुझे लगा कि ऐसा करेंगे सच में, तो मैंने उनको हाँ किया. देन आई स्टार्टेड शूटिंग विद देम और फिर 3 मंथ्स पूरे हुए, तो उसके बाद वो पलट गए अपने सारे प्रोमिसेस. आपने 3 मंथ्स के बाद बात की कि हाँ मैंने पेमेंट बढ़ाओ? मैंने उनको कॉल किए थे, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, असित जी ने सुविल को किया, उसने भी रिप्लाई करना बंद कर दिया. तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे क्यों कर रहे हैं.
बट सेट पे तो आप जाती थी वहाँ पे हाँ. मिलके आप बोल सकती थी सेट पे. तभी सोहिल इतना आते नहीं थे और एस जी सेट पे रहते नहीं थे, तो उनसे मिलने का था कि आप ऑफिस ही मिल सकते हो और ऑफिस में भी तब मिल सकते हो जब आप जाओगे और बोलोगे कि एस जी से मिलना है और वो मना कर देंगे तो आप क्या करोगे. तो उनसे मिलना इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए. तो 3 मंथ से 6 मंथ हो गए, फिर 1 ईयर हो गया, तो मुझे लगा तो कितना मिसयूज कर रहे हैं, जो पेमेंट प्रॉमिस किया था वो तो दे ही नहीं रहे हैं मुझे. तो मैं कहती तो चीटर हैं सारे के सारे, तो मैंने ऐसे काम नहीं करूंगी मैं. तो एक दिन मैं डायरेक्ट ऑफिस पहुंच गई, मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा डायरेक्ट जाती हूँ ऑफिस. मैं ऑफिस चली गई तो तब वो ऑफिस में थे, उन्होंने मुझे देख लिया, वरना तो मना कर देते कि मैं ऑफिस में नहीं, मना कर दो. तो अब देख लिया तो गुस्सा हो गया, तुम बिना बताया ऑफिस क्यों आई, तुमको बताना चाहिए. मैंने कहा मैं आपको कितने फोन कर रही हूँ, एक साल से आप उठाते नहीं हो, मैसेज का जवाब नहीं देते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, आपने प्रॉमिस किया था मुझे जो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी. सही. तो बोलते मैंने कहा मैं काम नहीं करूँगी. अच्छा ठीक है हम करते हैं, तुम 2-3 दिन बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, फिर हम बात करते हैं. मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने वापस बुलाया मुझे 3 दिन के बाद. तो फिर उन्होंने एक अमाउंट डिसाइड किया. अब जो अमाउंट पहले एक साल तक का डिसाइड था वो उन्होंने चीट कर लिया, फिर डिसाइड किया. तो बोलते हैं छोड़ो ना पुराना, अब नया हम शुरू करते हैं. तो मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो, लेट इट गो. फिर मैंने नए से शुरू किया जो भी उनका था. 1 ईयर के लिए होता है, हर साल इंक्रीमेंट होता है आर्टिस्ट का. 1 ईयर के बाद फिर मैंने कॉल किया, फिर पलट गए वो. फिर उन्होंने एक साल तक फोन नहीं उठाया. तो मैंने कहा ओ ये तो उनका पैटर्न है, आर्टिस्ट का पैसा वो ऐसे ही चीट करते हैं. तो फिर मैंने बोला तो आप गलत कर रहे हो, मैं इशू नहीं करूंगी, आप हर बार जो प्रॉमिस करते हो पलट जाते, फोन उठाना बंद कर देते हो. फिर बोलते नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं होगा, मैं करता हूँ, हम करते हैं, मैं फ्री हो जाता हूँ तो मैं कर देता हूँ तुम्हारा. फिर उन्होंने एक अमाउंट डिसाइड किया, फिर 2 साल तक फोन नहीं उठाया. तो ऐसे करके कई बार उन्होंने मेरे साथ चीटिंग की. फिर चीटिंग तो ठीक है चलो पैसे में कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी वहाँ का मिसबिहेवियर जो उनके यहाँ होता है, क्या था, क्या मिसबिहेवियर, जैसे सोहिल बदतमीजी बहुत करते हैं या आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के साथ हाथापाई करते हैं या गालियाँ देते हैं या मारपीट करते हैं, वो मुझे लगा बहुत ज़्यादा है उनके सेट पर, वो नहीं होना चाहिए. तो फिर मैंने तो उनका शो छोड़ दिया. सोहिल ने आर्टिस्ट को मारा है, गालियाँ दी है? हाँ ये उनका पैटर्न है, डेली वो ये सब करते ही रहते हैं. तो किसी ने शिकायत नहीं की, सिर्फ मोदी ने कुछ नहीं बोला उन्हें? नहीं, सबको अच्छे पेमेंट मिल रहे हैं ना, तो आप अगर मार खा के आपको यू नो पर डे 5 लाख रुपीज़ मिल रहा है तो आप क्यों नहीं खाओगे? मतलब ऐसा लोगों का यू नो है काम करने का पैरामीटर्स से उनकी समझ होगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती. आप मुझे 1 CR भी दोगे लेकिन मैं आपकी गालियाँ और लात तो नहीं खा सकती. आपको नहीं लगा कि नाम मिल रहा है, फेम मिल रही है, जैसे दूसरे आर्टिस्ट बैठे हैं वैसे आप भी बैठ जाओ? तारक मेहता इतना टॉप का शो है, नाम तो मिल रहा है, एक ब्रांड बन गई हैं आप. सी एज अ ह्यूमन भी आप कुछ फीलिंग रखते हैं अपने लिए ना, तो आप कुछ तो सोचते होंगे ना. ऐसे काम करके क्या ही फ़ायदा है कि आप गालियाँ खा रहे हो, बदतमीजी झेल रहे हो, मार खा रहे हो और पैसे के लिए वहाँ रुके हुए हो. करेक्ट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पर अब इतना भी नहीं है कि आप एकदम ही जलील होकर काम करो. मैंने कई साल काम किया और कितने दिन पेशेंस भी रखे कि चलो ठीक है सब कुछ शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, बदल जाए लोग. पर एक टाइम के बाद मुझे भी लगा ये इनका पैटर्न है काम करने का, ये ऐसे ही काम करते हैं कि आपको गाली देंगे, बदतमीजी करेंगे, आप झेल सको तो रुको वरना चले जाओ, से बेटर. तो सेट पे दूसरे आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे के लिए लड़ते नहीं कि गलत बिहेवियर है? बिकॉज कैटेगरी तो सेम है, आप आर्टिस्ट हैं, एक दूसरे की कोई किसी के लिए नहीं बोलता, कोई भी किसी के लिए नहीं बोलता, क्योंकि उन्होंने बोल रखा हुआ कि कोई किसी के लिए बात नहीं करेगा. उन्होंने वहाँ पे बहुत डांटते हैं वो, कोई किसी के लिए अगर बहुत बुरा देखता है कि हो रहा है और थोड़ा सा कंपैशन फील करता है कि कुछ गलत करने बोल दूँ तो वो उसकी फटकार लगा देते हैं उसको, कि अपने वाली बात को दूसरों के लिए बात करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यूटी में बढ़ाओ यहाँ पे. तो मेरे को कई बार मैं ऑफिस गई तो मुझे ऐसे ही बोलते थे वो कि तुम ये किसी की बात मत आया करो और अपनी बात किया करो, गलत हो रहा है होने दो लोगों के साथ, अपनी बात करो, अपने बारे में बात करो, किसी और के बारे में बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. तो वो यही करते थे, वो किसी को किसी के बारे में बात नहीं करने देते. आपका इस शो से फिर एग्जिट कैसे हुआ? आपने लड़ लड़ के हर साल आपकी पेमेंट बढ़ाई, क्या आपके डेज बढ़ाए थे, रोल बढ़ाया जो आपको प्रॉमिस किया? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं बढ़ाया. हर टाइम यही बोला बस हम नेक्स्ट कर रहे हैं कर रहे हैं. जब मैंने छोड़ने की बात करी तब उन्होंने एक एपिसोड ला दिया मेरे 1 वीक या 2 वीक्स के लिए कि मुझे लगे कि हाँ कर रहे हैं. फिर वो एक साल तक फोन नहीं उठाते थे, तो उन्होंने कई दिन किया, मेरा तो उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया. अगर मुझे क्लियर कह देते तो मैं कब का छोड़ देती. उन्होंने नहीं किया ऐसा. एक दिन एक टाइम क्या मुझे भी समझ में आ ही गया था क्योंकि अभी 5 ईयर्स हो गए हैं, अब बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, इट मीन्स वो नहीं करेंगे कुछ भी, ना ही पेमेंट करेंगे ना ही कुछ करेंगे, वो सिर्फ आपको नो पागल बनाते रहते हैं. और दूसरे आर्टिस्ट की पेमेंट बढ़ रही थी, उनसे जो प्रोमिसेस हुए थे वो हो रहे थे? नहीं, इतना तो नहीं हो रहा था बहुत लोगों के साथ में, लेकिन मुझे सर उनको उनके लिए जितना है उतना ही बहुत था. क्योंकि मैं अंडर पेड थी वहाँ पे. अच्छा. और उन सबको अच्छा पेमेंट मिल रहा था, तो उनके लिए मे बी इनको लगता होगा कि इनफ है मेरे लिए इतना अमाउंट, तो नहीं कर फर्क पड़ता उनको. रिसेंटली जेनिफर मिस्त्री ने जो रोशन सोडी का किरदार निभाती थी, उन्होंने असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाए. क्या असित मोदी वाकई में ऐसी बातें करते हैं इस तरह की? He's like that.
वो ऐसे इंसान हैं बट सामने शायद उनकी चीज़ें नहीं आई हैं, अभी जैनी जी के थ्रू आई हैं या फिर बहुत सारी और भी गर्ल्स हैं, अगर वो आएंगी सामने तो बहुत सारी चीज़ें और आपके साथ कभी इस तरीके से? हाँ, मैं ऑफिस जाती थी जब भी वो मुझे बुलाते थे एग्रीमेंट या किसी की बात करने के लिए, तो ऐसी बातें करती थी। ई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड माई पर्सनल लाइफ कि तुमने भी शादी क्यों नहीं की है, तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड है क्या, कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे, या तुम कौन सा ब्रांड की यू नो लीकर या कुछ लेती हो या वट एवर, ऐसी चीज़ें बहुत करते थे वो। पर मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करती थी, मैं इस पर कुछ बोलती ही नहीं थी उनको। अभी हाल ही में उन्होंने ये भी बताया कि सेट पर कंडीशंस बहुत ख़राब थी, वैनिटीज में कॉकरोचेस, कपड़े नहीं धुलते थे। राइट, ये सच है क्योंकि फीमेल्स जो भी रूम शेयर करते हैं उनको चाहिए होता है हाइजीन, यू नो मेंटेन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेडशीट कई कई दिन नहीं धुलती थी, यू नो जो हम जो बिछाते थे वो लोग जो वहाँ पर रहती थी, तो एक महीने दो महीने तो स्मेल करता था रूम इतना ज़्यादा। और फीमेल्स को तो यू नो चाहिए हर महीने आप चेंज करते रहो चीज़ों को, क्योंकि इतनी सारी गर्ल्स यूज़ करते हैं वही सारे मैट्रेस और सब चीज़ें, बट उनके यहाँ वो सब नहीं है, बहुत बहुत गंदा करके रखती थी वो। ये बात बिल्कुल सच है। ओके, कंप्लेन भी की थी हमने कई बार लेकिन कोई सुनता नहीं था वहाँ पे। फिर आपने कब डिसाइड किया कि अब मुझे ये शो नहीं करना है? बिकॉज शो तो चल रहा था टॉप टीआरपीज़ में, तारक मेहता एवरीडे न्यूज़ में था, दया बहन भी गई लेकिन फिर भी शो वापस संभला, कब आपने डिसाइड किया? मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे लगा कि ये तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, टू मच, आप इसके साथ भी ये नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे शूट पर बुलाते थे उस वक्त और काम नहीं होता था मेरा, फिर भी बुला के बिठाते थे मुझे। और मेरी मम्मी जबकि एडमिट थी उस वक्त, तो किस ईयर की बात है? 18 उसके बाद ही मैंने शो छोड़ दिया था। 18 लास्ट की बात है ये, 19 तक तो मैंने डिसाइड कर लिया था शो छोड़ ही रही हूँ मैं। और तो बहुत सारा बुला के बिठाना, शूट नहीं होना, सिर्फ मुझ पर गुस्सा निकाल रहे थे वो अपना, कि मैंने उनको कहा था कि आपने मेरा इतने टाइम मेरे पैसों में चीट किया है, अगर आप मुझे पे नहीं करेंगे तो मैं काम नहीं करूँगी, जो मेरा बनता है वो आपको देना पड़ेगा। तो उनका ईगो हर्ट हो गया था क्योंकि मैं उनसे डरती रहती थी, तो मैं अपने लिए फाइट करती रहती थी हमेशा से, आपको काम का मैंने हमेशा से उनको ये कहा आप करवाना है काम आप करवाइए, लेकिन मैं आपका फालतू का ये पैसे में चीटिंग करती थी, इतना फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन अभी आप बहुत साल से कर रहे हो तो अभी आपको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मैंने उनसे मनी गारंटी करवाया था मंथली, जैसे ही करवाया उसके बाद से फिर उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया मुझे, जैसे मुझे एक घंटे पहले कुछ ऐसा अग्रीमेंट साइन करवाया मतलब उनसे, उन्होंने की मनी गारंटी। हाँ, तो उसके बाद नहीं तो मैंने बोला मैं काम नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे एक घंटे पहले कॉल करने लग गए, बोलते आप कहाँ पे हो, मैं बोला घर पे हूँ, शूट पे आ जाओ। एक दिन हो गया, फिर एक दिन असित जी का कॉल आया, अरे क्या कर रही हो घर पे हो क्या, बोला हाँ शूट पे आ जाओ शूट है। मैंने कहा शूट है, मैं उसे एक घंटे में शूट है, तो मैं ये ज़्यादा हो रहा है, अब आप मुझे इसलिए बुला रहे हो एक घंटे पहले कि अब आप मुझे दिखाना चाहते हो कि मैंने आपको की मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ महीने की, तो मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तो इस वजह से बार बार बुलाना तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर मैंने सोचा कि ये तो ऐसे जानबूझ कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैं हूँ ही नहीं बॉम्बे में, मैं नहीं आ सकती शूट पर। तो उन्होंने मेरे सीन काटने शुरू कर दिए, तो अब मैं भी नहीं कर सकती हूँ, ये बोल नहीं सकती हूँ कि मैं नहीं हूँ, जब फ़ोन करेंगे जाना पड़ेगा अगर काम करना है तो। तो मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा है, फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ ये लोग अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं जो मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं जो जेन्युइन है मेरे। तो फिर उसके बाद मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो बॉम्बे में यहाँ पे एडमिट थी, तो तब मुझे इनको मौका मिल गया, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा यू नो मुझे परेशान किया। तो मैंने सोचा था कि कोई नहीं मेरा टाइम ठीक हो जाए। परेशान किया मतलब तब तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सब समझते हैं कि यार मम्मी के साथ रहना है टाइम में। तब ये मुझे शूट पे बुलाते थे जबकि मेरा शूट नहीं होता था, सोहेल ने कई बार मुझे बुलाया और फिर मुझे सोहेल ने बोला भी कि बहुतों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, यू नो असित जी के साथ भी हुआ, उनके फादर की डेथ हो गई थी, बस शूट पे आ रहे थे। मैंने कहा नहीं होगा अटैचमेंट, उस बंदे को पैसे के अलावा किसी से अटैचमेंट नहीं है। तो आते होंगे क्योंकि उनका नुकसान होता, नहीं आते तो उनको पैसा चाहिए, उनको कोई रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, वो बंदा ऐसा है ही नहीं। तो मैंने कहा लेकिन मेरे लिए तो मेरी मॉम सब कुछ है, तो मैंने अगर उनको कुछ हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी लाइफ में सर्वाइव करना। तो सोहेल की बात मुझे बहुत ख़राब लगी, फिर मैंने कहा ठीक है मेरा टाइम बहुत ख़राब है, मुझे हर तरह से हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियली भी अगर शो भी छोड़ती हूँ या हर तरीके से, तो मैं भी कोई स्टेप ले नहीं सकती हूँ, सिर्फ टाइम यू नो जाने दो ये, फिर मैं इनसे बात करूँगी, तो मॉम एक बार ठीक हो जाएंगी, फिर मैं इनको बोलूँगी मैं अब काम नहीं कर रही हूँ। बट हालाँकि ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं ठीक हुई, उनकी डेथ हो गई। फिर मैंने इनको मना कर दिया, तो ये फोर्सफुली चाहते थे कि मैं काम करूँ और मेरी वो कंडीशन थी नहीं काम करने की, तो मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो मैं चाहती थी कि मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था अपना वन मंथ के लिए। फिर उन्होंने मुझे मेरी फैमिली को फ़ोन किया कि उनको काम करना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। तो मेरी फैमिली ने बोला कि वो उनकी कंडीशन नहीं है काम करने लायक, होती तो हम आपको बोलते, आप उनको निकाल दो ना शो से, नहीं करना है उनको। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं जा सकती है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ में 3 मंथ्स, तो उनको नोटिस देना पड़ेगा। तो मेरी फैमिली को पता नहीं होता टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं इंडस्ट्री के या कुछ भी, तो उन्होंने मुझे बोला वैसे बोल रहे हैं तो तुम जाओ और मना कर दो अगर तुम्हें नहीं करना है, तो जो भी तुम्हारा टेक है
जाके डिसाइड करूँ, तो मैंने कहा मैंने जाना चाहती हूँ यहाँ से, तो फिर फोर्स कर रही थी, तो मैं आना पड़ा मुझे, मैं आई, मैंने उनको बोला अब मुझे काम नहीं करना, तो उन्होंने बोला नहीं तुम जैसे, मैंने कहा मैं काम नहीं कर पाऊँगी, मेरी नहीं है वो कंडीशन काम करने की, तो उन्होंने मुझे बोला तुम करो जैसे काम कर सकती हो, फिर छोड़ो मत शो, ऐसे बोला कई चीज़, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं मैं छोड़ दूँगी, तो उन्होंने बोला 3 मंथ्स का नोटिस दे दो, ओके, तो 3 मंथ्स का नोटिस देने के बाद सिर्फ ड्रामा करते हैं वो, फिर बोलते हैं 2 मोर मंथ्स, सोहिल ने बोला, मैंने कहा ठीक है 2 मोर मंथ्स, और फिर मैंने कहा ये तो आप ड्रामा कर रहे हो, ऐसा मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपका काम ना चले मेरे बिना, कि आप 3 मंथ्स कर रहे हो, फिर 2 मंथ्स, फिर 2 मोर मंथ्स, ऐसे करते जा रहे हो, ऐसे उन्होंने 7-8 मंथ्स निकाल दिए, बुलाया ऑफिस वापस से मुझे, मैंने कहा मुझे नहीं करना आपके साथ काम, मुझे काम ही नहीं करना है, जो है बात करते हैं, मैंने कहा नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, बात अभी क्या हो जाएगा, जब आप ये नहीं देख रहे हो किसी का टाइम क्या है, आप अपनी वो गुस्सा तब निकाल रहे हो, जब मेरी मॉम एडमिट थी, मैं क्यों ही करूँगी काम, फिर जब प्यार से नहीं समझ में आया, बोला मैं नहीं मान रही थी, तो फिर बदतमीजी करने लग गए मेरे साथ, मैं तुमको कहीं काम नहीं करने दूंगा इंडस्ट्री में, तुम जाके देखो, छोड़ के देखो, मैंने कहा ठीक है मत करने दो काम आप, कोई बात नहीं, असित मोदी ने फिर मैंने छोड़ दिया शो, मैंने ठीक है मत करने दो काम आप, तो इसलिए मैं इंटरव्यू से बोलती हूँ अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते, जिस तरीके से वो बात करते हैं उनको, उनका एरोगेंस आप देखेंगे, उनका एटीट्यूड आप देखेंगे, तो आपको भी लगेगा, हमने तो देखे सीरियल में देखा, और जब भी आते हैं तो वो स्माइलिंग फेस के साथ शो को लेकर कोई अपडेट देते हैं, ये सारी तो चीज़ें तो ये तो लोगों ने डार्कनेस देखी नहीं तारक मेहता की, आप ग्लिटरी चीज़ देख रहे हो, डार्कनेस तो जो थी वो हम जानते ना, वहाँ काम कर रहे थे, इतनी चीजें अच्छी होती तो आपके आर्टिस्ट छोड़ के नहीं जाते आपको, क्यों ही जा रहे हैं सारे आर्टिस्ट छोड़ के, इतने सारे लोग छोड़ चुके हैं। सेट पर इतनी नेगेटिविटी में काम कैसे किया मोनिका इतने टाइम तक? रो रो के मैंने सी काम मैं करना नहीं चाहती थी, पर एक यू नो थी चीज़ें मजबूरी, बहुत सारे लोग की वहाँ पे अभी भी मजबूरी है, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोगों को अपनी फैमिली देखनी है, उनकी यू नो बच्चों की स्कूल फीस या बच्चों की चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें, लोग सोचते जाने दो ठीक है चल रहा है घर, थोड़ी बेइज्जती कर रहे हैं तो जाने दो, मैंने एक आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगी, मैंने उनको बोला कि अरे आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बोलती हूँ यहाँ पे डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं या फिर एक और डायरेक्टर की उनको ज़रूरत है, तो आप बोलो ना यहाँ पे उनको यहाँ पे वो ज्वाइन करें सिर्फ मोदी को, तो उनकी लाइन थी कि मोनिका तुम जानते हो ना कैसा आदमी है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड की बेइज्जती मेरे सामने हो, इस आदमी को किसी की परवाह नहीं है, मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो, बोलते मैं कभी भी नहीं देख सकती, मेरे हस्बैंड अगर घर पे भी हैं तो इट्स ओके, मैं खुश हूँ, मैं अर्न कर लूँगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे इतना जलील हो काम करके, अब सोचो सो कुछ लोगों की मजबूरी है सच में काम करना, सच में मजबूरी है, नहीं तो कभी भी नहीं करते, लेकिन अब जिस लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए तो उन्होंने छोड़ दिया। मोनिका जी दिशा वकानी भी शो का हिस्सा थी, अच्छा खासा वो कर रही थी, पॉपुलर भी बहुत हो गई थी, फिर अचानक क्या बात हुई या कहाँ बात बिगड़ी कि दिशा वकानी जब प्रेगनेंसी के लिए गई तो वापस कभी लौटी ही नहीं? सी जब वो प्रेग्नेंट थी तभी वो शूट कर रही थी, तो उनके लिए बहुत हैक्टिक हो रहा था शूट करना, क्योंकि पूरे दिन शूट करना इस कंडीशन में, तो उनकी मदर इन लॉ भी साथ आती थी उनकी, और बहुत वो परेशान हो गई थी और शूट का बहुत प्रेशर था उनके ऊपर, तो वो नहीं करना चाहती थी, तो उसके लिए उन्होंने छोड़ ही दिया फिर ये शूट, और फिर वापस कमबैक की बातें हुई बट वो कभी आई नहीं? नहीं वो नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ काम किया है कई साल, तो वो जानती थी कितना एटमोसफेयर कितना ख़राब है, तो वो वहाँ काम नहीं कर पाएंगी उनकी बेबी के साथ में काम करना, क्योंकि कॉपरेट कोई करता नहीं है, बदतमीजी मिसबिहेव या उल्टी सीधी बातें करना, तो वो नहीं चाहती थी कि टॉक्सिक ऐसे जगह पे वो रहें, उस वजह से वो नहीं आई फिर कभी। अब कह रहे हैं कि दिशा वकानी वापस आ रही है, कंफर्म आने वाली है, असित मोदी ने खुद ने कंफर्म की है ये बात, इतना चीज़ें असित जी के खिलाफ बाहर आई हैं ना कि अपने कवर अप करने के लिए कुछ तो चाहिए ही, अब वो कैसे कवर अप करें, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स हैं या सोहिल की बदतमीजी की या चीज़ों की, तो वो अगर हमारे खिलाफ कुछ बोलते भी हैं तो वो उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे, जो चीज़ें हुई हैं वो उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो उनको लगता है दिशा जी को लाके शायद वो कर पाएँ, तो इसलिए फोर्स कर रहे हैं वो उनको आने के लिए, या और सी जब जितनी दिशा जी की कंडीशंस थी जो पहले चाहती थी वो जो उन्होंने नहीं की इतने सालों तक, क्या चाहती थी बहुत सारी थी, उनकी मदर इन लॉ साथ रहें या उनके वो अकेले ना रहें या वो सिर्फ 2 या 3 मतलब कुछ घंटे ही शूट करें, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती क्योंकि उनके बच्चे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने मना कर दिया, तो फिर वो नहीं आई, और ये बोलते भी हैं शो मस्ट गो ऑन, इसको जाना है जाए, इसको रहना है, दिशा के बिना भी शो चल रहा है, अच्छा तो वो कौन तुम लोग, ऐसे ही बात करते हैं वो लीड एक्ट्रेस है तो उनको लेकर भी यही रहा है, ऐसे बोलते दिशा भी नहीं है शो चलेगी, शो छोड़ के हम दूसरे को कास्ट कर लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे बोलते थे वो, तो कभी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन अब कंट्रोवर्सी इतनी हो गई है उनके खिलाफ कि अब उनके पास रास्ता नहीं है, तो इसलिए वो दिशा जी को अप्रोच कर रहे हैं, और किसी के भी आप जाके ये बोलोगे कि मैं तुम्हारे पैर छू के माफ़ी मांगता हूँ, तुम प्लीज़ कम बैक कर लो, या तुम जो भी शर्तें होंगी मैं सारी पूरी करूँगा, तो फिर कोई क्यों नहीं कम बैक करेगा, उनकी जो जो कंडीशन हमारी जो है वो पूरी क्यों करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि वो उनको आर्ट से बहुत प्यार है, अपने क्राफ्ट से बहुत प्यार करती हैं, एक्टिंग से बहुत प्यार करती हैं, तो अगर
उनकी सारी शर्तें मान रहे हैं, तो फिर आज तक नहीं मान रहे थे तो नहीं आएंगी, अब वो मानने को तैयार हो गए हैं सारी, अब क्योंकि उनको भी लगता है कि ऐसा करने से कुछ उनका यू नो तरफ से कुछ चीज़ें प्रूफ होंगी। वैसा आपका एक इंटरव्यू देखा था मैंने जिसमें आपने बताया था कि शो के एक सीनियर एक्टर है जिनके बिना शो नहीं चल सकता, उनके ऊपर भी कुर्सी फेंक दी थी, उनके साथ भी मिसबिहेव हुआ, क्या किस्सा था वो? आई वॉज नॉट ऑन शूट दैट डे, बट मैंने सुना था कि सोहिल को बैन कर दिया 2 साल के लिए, सोहिल ने उनके ऊपर कुर्सी फेंक के मारी थी, झगड़ा हुआ था, तो सोहिल को लगता है कि जैसे सब आर्टिस्ट को ट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गाली देते हैं, उनके साथ भी सेम कर सकते हैं क्योंकि वो सबको इज्जत समझते हैं, तो उन्होंने गुस्से में कुर्सी फेंक के मार दी थी उनको। हमें कंफर्म्ड सोर्सेस से पता चला है कि वो जो सीनियर एक्टर है वो दिलीप जोशी जो जेठालाल का किरदार करते हैं वही है जी। ओ माय गॉड, बहुत ही शॉकिंग है ये, क्योंकि वो तो फेस है इस शो का, जेठालाल के नाम पर तो ये शो चलता है और उनके साथ भी इस तरह की बात होती है। सोहेल का बहुत ही ख़राब रवैया रहा है हर किसी के लिए, वो ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं सबके साथ में, तो सबको जैसा कंसीडर करते हैं कि इस आर्टिस्ट को गाली दी तो मैं इसको भी दे सकता हूँ, इसको मारा तो इसको भी मार सकता हूँ, वो हाथ भी उठाते हैं किसी आर्टिस्ट को, उन्होंने हाथ भी उठाया हुआ है, तो वो ऐसे ही करते हैं। उनकी गुंडागर्दी इस लेवल की है कि बहुत मुश्किल है वहाँ काम करना। मैं आपको अगर जैसे मेरी कई बार फ़ोन पे बात हुई है सोहेल जी से, एक बार भी अगर मैं आपको वो यू नो सुना भी दूँ ना कैसे बात करते हैं, तो आप खुद बोलेंगी कौन ऐसे बात करता है किसी फीमेल से जिस तरीके से बात करते हैं। आपने बताया भी कि आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वो बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार फ़ोन पे बात हुई है उनसे मेरी, तो या मेरे पैसों के लिए भी कई बार मैंने मैसेजेस किए हैं उनको, तो किस तरीके का हमारी जो बात हुई है पैसे के लिए कई साल तक चलती रही, कैसे वो मुझे ट्रीट कर रहे थे कि हो जाएगा करते हैं देखते हैं, या टालते जा रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास भी। आपके साथ बुरा बिहेवियर हो रहा है, जेनिफर मिस्त्री जी के साथ बुरा बिहेवियर, जेठालाल जी के साथ बुरा बिहेवियर हो रहा है, क्या इसके बाद सोहेल को रोका गया, क्या उसको स्टॉप किया गया, क्या उसकी हरकतें बंद हुई? हाँ, दिलीप जी के बाद तो उन्होंने एक्शन लिया था, 2 साल तक सेट पे नहीं आने दिया था, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग ये था कि इतना सब होने के बाद आज भी वो बंदा उनके साथ काम कर रहा है, बाकी जो आर्टिस्ट हैं उसको छोड़ के चले गए। हाँ, वही मेरे लिए उन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि नहीं यार मैं बिना रिस्पेक्ट अब इस शो का हिस्सा नहीं बन सकता। ही इज़ वेरी हम्बल, तो वो यू नो बहुत सिंपल हम्बल काइंड ऑफ पर्सन है, तो उनको लगता होगा मे बी कि ठीक है लेट इट गो जाने दो, या माफ़ तो नहीं करो, मतलब उन्होंने बोला ही था तभी तो माफ़ी मांगी गई थी उनसे, क्या ऐसा ये तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था उसके बाद, पर इतना पता है कि सुहिल को 2 साल का सेट पे नहीं आने दिया गया था, तो उसको पनिश कर दिया था, तो आज भी दिलीप सर उनसे बात नहीं करते, नहीं कर रहे आज भी। नट्टू काका जो सबसे सीनियर थे, इतने क्यूट इतने प्यारे, जब भी आते थे स्क्रीन पर अच्छे लगते थे, उनके साथ भी बुरा बर्ताव की खबरें सुनी है? हाँ, उनके साथ तो मैं थी उस दिन सेट पे, बहुत चीखने की आवाज़ आ रही चिल्लाने की, तो मैंने पूछा था उनसे कि, और वो रो रहे थे जब मैं पहुँची, तो मैंने आप क्यों रो रहे हो और कौन चिल्ला रहा था, तो उन्होंने बताया सोहेल मेरे को बदतमीजी कर रहा था, तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि मेरा कुछ इवेंट था, उसके लिए मैंने पूछा था कि मेरे को छुट्टी चाहिए एक दिन की, तो बोल रहे थे, उन्होंने बोलते बोलते एक बात कही थी अभी भी याद है, उन्होंने कहा था देखना सत्यानाश होगा इन लोगों का, एक दिन ऐसा आएगा, आज तो ठीक है मेरे को कह दिया ठीक है, लेकिन देखना उनका, तो मुझे बात आज या जब ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो मुझे याद आई थी बात कि कैसे बोल कर गए थे वो। और जब वो बीमार हुए तो शो की तरफ से कुछ उन्हें हेल्प की गई, कुछ उनका ध्यान रखा गया? नहीं, वो सेट पर भी आए थे, सोहेल ने उनको मिस्ट्रीट किया और वापस वो चाहते थे आए थे लास्ट दिन भी, तो सोहेल ने बहुत मिस्ट्रीट किया क्योंकि उनको कैंसर था, उनको बहुत डिजायर थी काम करने की, वो कर नहीं सकते थे काम, पर वो आए भी सेट पे मिलने के लिए, बट मिस्ट्रीट किया तो वापस उनको काम भी नहीं करने दिया, काम भी नहीं, और मिस्ट्रीट किया, तो आप जब बीमार हो और कैंसर की यू नो पेशेंट हो, मैं तो जानती हूँ मॉम को कैंसर हुआ था कैसा फील होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, फैमिली कितनी डिस्टर्ब रहती है उस वक्त आपके आसपास के लोग, तो आप कितना यू नो पेशेंट को अच्छा फील कराना होता है, चीज़ें करनी होती हैं, बट उनको तो सेट से भी उन्होंने यू नो जाने को बोल दिया, और उसके कुछ दिनों बाद नट्टू काका की डेथ हो गई, उसके बाद सारे आर्टिस्ट गए थे उनके वहाँ पे, तो ये सुनकर तो बहुत बड़ा झटका लगता है कि वाकई में वहाँ पर बहुत कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी जो लोग रह रहे हैं क्या वो दिल से काम कर रहे हैं कि वो भी निकलना चाहते हैं? जब तक मैं थी तब तक तो कोई दिल से काम नहीं कर रहा था, यही बोलते थे कि शो बंद हो जाए, मैं प्रे कर रही हूँ भगवान से, भगवान बंद कर दे शो को, हमको काम नहीं करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा रिप्लेसमेंट हो, हम चाहते शो बंद हो जाए, बहुत सारे लोग प्रे करते थे, आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शो चलता रहे, वहीं जो अंदर काम कर रहे हैं कि चलता रहे ताकि हमारा काम चलता रहे, और वो शो चाहते हैं कि बंद हो जाए, सो अभी भी बहुत लोग हैं वहाँ पे,
आपने कहा था कि जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, वो मिसबिहेव करते हैं ना वो। मैं एक दिन ऑफिस गई, जैसे जी ने बोला कि जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं क्या औकात थी इनकी, आज जो भी गाड़ी घर लेके घूम रहे हैं मैंने दिया हुआ, मेरे पैसे पल रहे हैं, तो ऐसे ही बात करते हैं। सोहिल भी ऐसे ही बोलता है, बोलते हैं कि डायलॉग्स हमने फिल्मों में सुने हैं, क्लाइमेक्स में या रियल में बोल रहे हैं कि इसकी इसका इसका बाप मर गया था मैंने पैसा दिया, इसका भाई मर गया था हमारे पैसे पर ट्रीटमेंट हुआ, इसका ये हुआ हमारे पैसे पे। भाई तुम्हारे पैसे पे कुछ नहीं हुआ है, हम आर्टिस्ट ने वहाँ काम किया उसका आपने पे किया हुआ है, हम अपनी फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट में यूज़ करें किसी में भी यूज़ करें, हमारा पर्सनल लुकआउट है। आप ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे जितना भी कुछ हुआ है हमारे पैसे पे हुआ है, हमने पैसा दिया है, तो वो ऐसे बात करते हैं, तो ये आपको इतना हर्ट कर जाएगा ना, वो इस लैंग्वेज में बात करते हैं। आपका ये भी इंसिडेंट था कि आपको कहा गया था कि 20 डेज में आप अपना वेट कम करो, आपको फैट शेम भी किया गया। हाँ, सोहिल ने किया था। क्या हुआ था वो? तारक ज्वाइन करने के बाद मैं थोड़ी सी मैंने वेट गेन किया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, मुझे बताया नहीं क्यों बुलाया, मैंने बोला ऑफिस आकर बात करनी है। मैं ऑफिस गई तो एक बंदा था उनके अकाउंट से कुणाल करके, तो वो सेइंग कि तुमको पता है तुम प्रेग्नेंट लग रही हो, तो मैंने फ़ोन किया कि मोनिका शी इज़ प्रेग्नेंट, तो मुझे पता चला कि तुम मैरिड नहीं हो पर तुम लग रही हो प्रेग्नेंट। इस तरीके की बात है करना कि आपको बहुत बुरा लग जाए अंदर से, जान मोचे करना। तो सडन सोहिल आता है अंदर, फिर बोलता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, तुम इतनी मोटी हो गई हो, हमने आपको कास्ट किया था आप ऐसी नहीं थी, अब आप बिल्कुल चेंज हो गई हो, आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। मैंने ठीक है, तो बोलते हैं 20 डेज दे रहे हैं हम आपको, नहीं तो हम आपका कोई भी सीन नहीं करेंगे, शॉर्ट कोई भी शॉर्ट नहीं होगा। मैंने बोला ये कैसी बात हुई, कैसे कोई काम करता है, वो तो वो आपका लुकआउट है। मैंने ठीक है आप मुझे पैसे पे करो फिर रिड्यूस करने के लिए, तो मैं ठीक है आई हायर प्रोफेशनल्स एंड गो विद देम। तो बोलते नहीं नहीं हम क्यों पे करें, तो मैंने कि आपको मैं तो आई एम वेरी कंफर्टेबल, मुझे तो अच्छा लग रहा है अपने व्यू में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है आपको चाहिए। तो मैंने और ये फालतू की बातें थी, उनके सेट पर बहुत सारे लोग बहुत फैट हैं बहुत सारे लोग, नाम ही लेना चाहती मैं किसी का, लेकिन उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं है और मेरे से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, ये सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए करते थे। डे वन से मैंने ये चीज़ नोटिस की है, उनको पता नहीं ऐसे ऐसे जी को मेरे से बहुत प्रॉब्लम थी, उनको लगता था कि ये बंदी इसकी हिम्मत कैसे होती है मेरे से बदतमीजी करने की या मेरे से मिसबिहेव करने की, और मुझे लगता था कि बंदा इतना झूठा है, झूठ बोलता है, पैसे मारता है, तो मैं क्यों ही चुप रहूं। तो मैं अपनी बात कहती थी, उनको लगता कि मैं मिसबिहेव कर रही हूं, मतलब मैं प्रोड्यूसर में से ऐसे कैसे बोल रही हूं, और मुझे लगता कि मैं अपनी हक की बात कर रही हूं, अगर आपको बुरा लगता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो मुझे तो मुझसे उनको प्रॉब्लम होती ही थी, अगर मैं कैरेक्टर ना होती शो का तो कब का वो मुझे बोल देते कि, तो बोल नहीं सकते थे मुझे, तो इस वजह से वो बहुत ऐसी चीज़ें करवाते थे। तो मैंने बोला ठीक है मैं आई ट्राई, तो मैं घर गई, मैंने अभी 20 डेज में कैसे वेट रिड्यूस हुआ यू नो कोई भी नहीं कर सकता, तो मैंने सर्च ऑन गूगल कुछ चीज़ें मुझे मिली, यू नो आई ट्राइड होम रेमेडीज लाइक लौकी का जूस एंड ऑल सब चीज़ें, और मुझे रिएक्ट कर गया वो चीज़। तो मैं सेट पे फेंट हो गई, एक दिन डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या ले रहे हो ऐसी चीज़, आपको ये चीज़ें बहुत डाउन है, ये वो ये टेस्ट करने वो सब चीज़ें करवाई, पता चला मुझे विटामिन डिफिशियंसी हो गई है B12 की, और इस वजह से मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला कि तुमको बिना पहले तो एडमिट होना पड़ेगा, एवरीडे हमको इंजेक्शन देने पड़ेंगे तो ही ठीक हो सकते हो, और कोई रास्ता नहीं, कोई मेडिटेशन आपको ठीक नहीं करती, कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। तो मेरे लिए बहुत ऐसा था कि कैसे करूँ, तो मुझे 1 month तक यू नो आई टुक सो मेनी इंजेक्शन, इतना पेनफुल प्रोसेस था ना वो इंजेक्शन वाला, आई कैन टेल यू। जो उसके बाद मैंने एक चीज़ सीखी कि लव योर सेल्फ, उसके बाद मुझे समझ आया कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप बोल दो भाई, तब उन लोगों को गलती महसूस हुई नहीं, उसके आप सोचो कि पागलपन की हद देखिए, आप मुझे आज बोल रहे हो रिड्यूस करने की, 3 दिन के बाद फोन कर रहा है सोहिल मुझे और बोल रहे हैं कि तुमने कम किया। मैं तारक में इतना जोक बनता था इस बात का, मैंने सबको बताया सेट पे, तो हम सारी फीमेल्स बैठ के मजाक उड़ाते थे, 3 दिन में कौन सा वेट कम होता है, 3 दिन पहले तो बात की आपने, तो इस लेवल के साइको भरे पड़े हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा अलग ही लेवल का बंदा है, 3 दिन में कौन रिड्यूस करता है, वीडो कैसे हो जाएगा। बट चूंकि टॉर्चर करना था, बराबर टॉर्चर होते रहो, आपको बराबर टॉर्चर होते रहना पड़ेगा काम कर रहे हो। तो फिर जब मैंने बोला कि सब चीज़ें होंगी, अब मैं कोई मेरा वेट अपने आप से कम होगा तो होगा, या मैं जैसे कर पाऊंगी, मैं इस तरीके से तो बिल्कुल चीज़ें नहीं करूँगी, अब बहुत हो गया मेरे लिए टॉर्चर। फिर उन्होंने मुझे मेरा कोई शूट था भी नहीं, 1 month के लिए घर चली गई थी, बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरा नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा एडमिट रही काफ़ी दिन, बहुत चीज़ें हुई। फिर 1 month तक कोई कॉल ही नहीं आया मुझे शूट के लिए, मतलब शूट था ही नहीं, सब टाइम पास। हाँ, ये चीज़ इतनी हर्ट करती थी, पहले वेट कम करने का कहा कि 20 दिन में कम करना है, पर 1 month तक कोई कॉल ही नहीं, कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं। बीमार होंगी काफ़ी दिन, ठीक होने के बाद मैं आई 2 months के बाद, तब इनका दिन फोन आया, शूट है अपना ये ऐसा ही, फिर मैं शूट के लिए गई, तब कोई बात नहीं, तब सेम वेट सब चीज़ें सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब कुछ नहीं। अच्छा, फिर कुछ नहीं बोले। तो मैं सोच रही ये क्या है, करते क्यों ऐसे, इस सब समझ में नहीं आता मुझे। फिर मैं काम किया काफ़ी दिन तक, फिर जब मुझे खुद पर्सनल लगा कि मुझे रिड्यूस करना चाहिए, देन आई रिड्यूस्ड।
और तब उनको कोई फर्क नहीं, कम कर लो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टॉर्चर करना होता है। बट हाँ, तारक मेहता में ऐसे शेप को लेकर कुछ नहीं है, बिकॉज हर शेप साइज के लोग हैं, कुछ नहीं, बहुत लोग बहुत फैट हैं। हाँ, इतनी फैट नहीं होती, 5 kg 6 kg मैंने गेन किया होगा उसमें, सिर्फ मौके चाहिए परेशान करने के लिए। ऐसा था तो फिर आपने शूट क्यों नहीं किया मेरा 1 month तक, या मुझे बुलाया क्यों नहीं, अपडेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने जब चीज़ें की तो वेट तो कम हुआ ही मेरा, लेकिन बीमार हो गई थी वो ठीक अलग बात है, लेकिन मैंने किया था काफ़ी सारा कम, लेकिन शूट तो नहीं किया उन्होंने। फाइनली जब आपने शो छोड़ा तो क्या आपकी पेमेंट क्लियर हुई, गुड नोट्स पे आप अलग हुई या? मैं चाहती तो थी, इसके लिए मैंने इनको टाइम भी दिया, 3 months का नोटिस मांगा वो भी दिया, 2 months मांगे वो भी दिए, उसके बाद भी दिए, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ गया था झगड़ा करके मैं नहीं चाहता, जाने ही नहीं देंगे आपको, तो झगड़ा ही हुआ था मेरा असित जी के साथ में, जब फिर उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया मुझे कि तुमको कोई काम नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं। देन मैंने सोचा कि अभी बिल्कुल काम नहीं करूंगी, आप धमकी क्या दे रहे हो आप मुझे, ये सब क्या डरा के आप मुझे ये नहीं करने दोगे वो नहीं करने दोगे, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद पैसे नहीं दिए, कॉल भी नहीं आया उन लोग का? नहीं, कॉल भी नहीं आया उनका, फिर मुझे पैसे भी नहीं दिए, पैसे नहीं दिए उन्होंने मुझे 1.5 साल तक, सिंटा के बाद फिर पैसे दिए, फिर कॉल किया मुझे बात करने सिंटा में शिकायत करने की बात, हाँ मैं तब जाके उन्होंने पेमेंट दिया, तब तक मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस किए, कॉल की, ऑफिस भी गई 2-3 बार, नहीं दिए उन्होंने मुझे पैसे, मना ही कर दिया साफ। फिर जाके जिन्होंने मेरे ड्यूज क्लियर किए तो तब जाके फिर मैंने फिर वापस उन्होंने बुलाया, मुझे अच्छी जी का फ़ोन आया था, तुमसे बात करनी है, एक बार आओ ऑफिस, तो तुम फिर मुझे पूछे करना चाहती हो क्या शो तुम, उन्होंने बुलाया था मुझे 1 साल के बाद भी जब पेमेंट मैंने क्लियर किया, लेकिन जब मैं गई फिर बदतमीजी करने लग गए सेम। आपको कैसे लगता है कि आप बदतमीजी कर रहे हो, उसे छोड़ के जा रही, फिर बदतमीजी कर रहे हो, उसके लिए वापस आ जाऊँगी? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी, सोच लो। तो मैंने कहा मैंने सोच के पहले सोच समझ के ही बताया था आपको कि मैं नहीं करना चाहती। रिग्रेट हुआ कि इतना बड़ा शो लंबे समय तक करते तो और प्रॉफिट होता, फेमस तो हो ही गए थे, जो कुछ मिला इस शो से मिला, इससे इस तरह से अलग नहीं होना चाहिए। बहुत ग्रेटिट्यूड है मुझे इस बात का कि शो से मुझे बहुत कुछ मिला है, और छोड़ने के बाद में सब मुझे दुख नहीं, बहुत खुशी हुई थी कि मैं अपने लिए इतना स्टेप ले पाई जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पे लोग गाली खा के काम कर रहे हैं, बदतमी सहन करके काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए ले पाई कि छोड़ दिया मैंने। अगर मुझे भी ऐसा लालच रहता, या मैं किसी की लालच नहीं बोल रही हूँ, मुझे भी ऐसा रहता कि मजबूरी होती तो मैं भी काम करती वहाँ पे, तो मैं तो आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी, मेरे पीछे मेरी फैमिली थी, सपोर्ट था मुझे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे फैमिली है या मुझे चीज़ें करनी है, मैं नहीं छोड़ सकती या मजबूरी है, तो मेरे साथ कुछ था नहीं, तो मेरे अच्छे से मैं ले पाई ये टेक कि मेरे को नहीं करना है काम। शो छोड़ने के बाद आपने इनिशियली कुछ नहीं बोला था शो के बारे में? मैंने बोला था लेकिन तभी मुझे मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल पाया था उतना, क्योंकि उसके जब मैंने बोला था, जब चीज़ें शुरू हुई थी तब उनका फ़ोन आया था मुझे, और इन्होंने मुझे बोला था कि बॉन्ड साइन करना पड़ेगा वरना हम पेमेंट नहीं क्लियर करेंगे, कि तुम मीडिया में नहीं जाओगी। सोहेल ने मुझे मीडिया की काफ़ी सारी कटिंग्स भेजी थी। अच्छा। और धमकी दी थी मुझे कि ये सब पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, तुम हमारे शो के खिलाफ बोल रहे हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए अपने, क्लियर चाहिए तो ठीक है बॉन्ड साइन करो, मीडिया में नहीं जाओगी, हम क्लियर कर देंगे। Okay. तो फिर मैंने ये हाँ तो मैं मीडिया काफ़ी सारे फ़ोन आया मुझे, फिर मैंने पिक नहीं किया क्योंकि मुझे मेरे ड्यूज भी क्लियर करवाने थे उनसे, बट जब मैंने साइन किया उसके बाद फिर पैसे नहीं दिए उन्होंने, 1 साल तक वही होता रहा, फिर ये मैटर खत्म हो गया। मैं भी अपनी मुझे भी टाइम चाहिए था हील होने का, मेरे साथ भी बड़ी सारी इंसिडेंट हुए थे, इतने सारे चीज़ें हुई थी, तो फिर मैंने ज़्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं किया, अपने ऊपर ही किया और खुद को हील करने के लिए बहुत समय लिया। मोनिका, आपने बहुत कुछ बताया, जेनिफर मिस्त्री ने बताया, प्रिया आहूजा भी बहुत कुछ बता चुकी है इंटरव्यूज़ में, बट असित मोदी कहने की सारी चीज़ें बेसलेस है, उन्होंने हर इल्ज़ाम को नकारा है और कहा है कि नेगेटिविटी के आगे हम स्ट्रांगली खड़े हैं, हमारे लिए बस नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो आपके इतने सारे आर्टिस्ट को छोड़ के क्यों चले गए? अगर आप सही हो, जेन्युइन हो, तो आप मुझे लगता है 10-15 आर्टिस्ट शो छोड़ चुके हैं, क्यों फिर वो शो छोड़ के क्यों चले गए? और बहुत कम आर्टिस्ट जो वापस लौटे हैं, शैलेश लोढ़ा, उनका क्या रीज़न हुआ था? क्योंकि उनका तो ऐसा लगता है कि उनको तो निकलते ही उन्होंने रिप्लेस कर दिया, कि मतलब बहुत बड़ा झगड़ा था, क्या सीन हुआ था? उनका भी मिसबिहेव बहुत करते थे वो, मैंने कई बार देखा भी शैलेश जी का झगड़ा होते हुए देखा है असित जी के साथ में, तो जिस तरीके की टोन में बात करते हैं असित जी, बदतमीजी करते हैं या फिर ये सब बोलते हैं तुम्हारी औकात क्या थी यहाँ पे, सबको मैंने बनाया है, जिसके पास जो कुछ है वो मेरा दिया हुआ है, मैंने किया है, जितना उनका अहम है मैं करके जितनी वो बात करते हैं, इतना घमंड उनके अंदर है, उस वजह से कोई नहीं रहना चाहता है, इस वजह से उन्होंने भी छोड़ दिया शो। और छोड़ने के बाद वो पैसे नहीं देते किसी के, तो पैसे रोक लिए उन्होंने 1 crore तक, आई थिंक अमाउंट नहीं, आई डोंट नो, बट 1 crore तक एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता है, मैंने सुना था, तो देन उनका फिर इसीलिए उन्होंने भी छोड़ दिया। हाँ, तो उन्होंने कोर्ट में केस भी किया है। मोनिका, सबके बारे में बात की, अब बात करते हैं शो में जिसके साथ आपकी पेयरिंग थी,
बागा, बागा की गर्लफ्रेंड का रोल आपने किया था, बागा जिनका नाम तन्मय है, कैसे हैं वो, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? जी, तन्मय एक्टर बहुत अच्छे हैं पर को एक्टर बहुत ख़राब है, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, और असी जी से बहुत क्लोज हैं तो इज लाइक दैट, तो वो उनका बहुत ख़राब बिहेवियर था मेरी तरफ, तो बट मुझे मेरे काम से मतलब था तो मैं अपना अपना क्या करती क्या थी? ऐसा था कि आपको लगा कि क्या चीज़ बुरी हुई? सी वो असित जी के टाइप के ही देवर टाइप के ही बोलेंगे, असित जी के ही फेवर में रहते थे, या असित जी का मिसबिहेव या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें, तो उनको भी बहुत था, बहुत एरोगेंट टाइप के हैं वो भी, तो ठीक है, बट मुझे कोई इनसे शिकायत नहीं, मैंने अपना काम किया वहाँ पे, और एज अ पर्सन वो कैसे हैं ये आपने पूछा तो मैंने बताया। स्क्रीन पर तो बेहद क्यूट और बहुत अच्छे से हंसाते हैं वो सबको, तो असित जी भी बहुत अच्छे लगते हैं जब आते हैं बट डार्क साइड तो उनकी वो नहीं है और अलग है ना जी। मोनिका, आपने शो छोड़ दिया है और अब आप जो शो के बारे में बिंदास बात करती हैं, असित मोदी ने आपको ऑलरेडी धमकी भी दे रखी है कि काम नहीं करने दूंगा, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, मुझे पहले लगता था, इनसिक्योरिटीज थी, चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, शायद इस वजह से भी मैंने चीज़ें नहीं बोली होंगी कह सकते हो आप, बट मुझे अब डर नहीं लगता है क्योंकि आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मुझे बहुत फेथ है, मुझे लगता है कि आपकी यू नो डेस्टिनी, आपका जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, ऐसे दस असित मोदी भी आ जाएंगे तो नहीं चेंज कर सकते हैं वो, अगर मुझे मेरे नसीब में बहुत अच्छा कुछ लिखा हो तो मुझे मिलेगा ही, तो वो इनकी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या ये कुछ ऐसा कि डर मुझे खैर अब नहीं है इन सब चीज़ों का। मीडिया से तो आपको सपोर्ट मिला है जो मैंने देखा है, बहुत प्यार गया है मुझे मीडिया से सब। क्या इंडस्ट्री से आपको मिला है सपोर्ट, क्या काम मिल रहा है, क्या कुछ ऑफर्स हैं? या बहुत सारे हैं, मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ या बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, और सी मैंने बहुत अच्छा काम किया है उनके वहाँ जब रही, मैंने अपना काम अपनी ऑनेस्टी से किया है, तो काम तो आपका दिखता ही है, तो काम तो डेफिनेटली आप करते ही हो, ये सब तो बातें हैं जो लोग करते हैं कि तुमको काम नहीं करने दूंगा या चीज़ें नहीं करने दूंगी, बट क्या कभी ऐसा हुआ किसी काम के लिए गए हो और आपसे आपकी कंट्रोवर्सी या पिछले शो से आप ऐसे निकली या आप प्रोड्यूसर के बारे में ऐसी बात करती है इस कारण आप रिजेक्ट हुई हो या आपसे लोग दूर रहे हो कि नहीं आपको नहीं लेंगे? एक रीज़न तो है इंडस्ट्री में कि आप अगर सच बोलते हो, चीज़ें करते हो तो आपको काम बहुत ही कम मिलेगा, जो जेन्युइन लोग होते हैं वहीं आप काम कर सकते हो, बाकी तो चीज़ें आपकी अगेंस्ट ही जाती हैं, पर जिसकी मैंने आपको पहले बोला कि मुझे डर नहीं लगता है चीज़ों से अब, क्योंकि मुझे लगता है आपकी भी जो आपका सब जो डेस्टिनी है सब प्री डिसाइडेड है चीज़ें आपकी लाइफ की, तो जो होना होगा वो अच्छा ही होगा। आगे हमें मोनिका किस प्रोजेक्ट में नज़र आने वाली है? बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ मैं, वेब सीरीज कर रही हूँ और एक्ट्स करती रहती हूँ, चीज़ें करती रहती हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे देखते ही होंगे। ठीक है, अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फैंस के लिए मैं यही कहूँगी कि जितना प्यार उन्होंने तारक मेहता में इस कैरेक्टर को दिया था जो मैंने प्ले किया था बाबरी नाम से, वैसे ही जीवन में मैं जितने भी कैरेक्टर्स करूँ उसको इतना ही प्यार देना जितना आपने इस शो को या इस शो में मुझे दिया था। क्या आप बाबरी का डायलॉग बोलेंगी इफ़ यू आर अलाउड टू? अलाउड तो नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर उनकी रॉयल्टी थी, ये लाइन्स के डायलॉग्स उनकी रॉयल्टी थे, तो छोड़ने के बाद तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ अच्छा था जो भी था। बट हाँ मतलब जिन्होंने भी आपसे पंगा लिया उनसे गलती से मिस्टेक तो हुई है? पंगा नहीं लिया, सी मैं सच बोलती हूँ, जो है वो बोलती हूँ, बस यही है कि मेरे अंदर फिल्टर नहीं है, जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली एज इट इज़ कह देती हूँ, बस यही लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है। ये आपसे जो मैंने इतनी देर बात की मुझे एक फीलिंग आई कि आप यंग हैं, करियर को स्टेक पर रखकर आपने अपने लिए लड़ाई की, बड़े बड़े लोग जैसा हमने इंटरव्यू में भी सुना सीनियर लोग भी चुप रह जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं बदतमीजी, आपने नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है जो यंग जनरेशन को मैसेज देगी कि अगर आपका करियर उतना ग्रो नहीं भी हुआ है, आप उतने बड़े इंडस्ट्री में नहीं भी हुए हो, आप अपने हक के लिए बात करो, डरो मत कि आप निकाल दिए जाओगे कि आपको काम नहीं मिलेगा, पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। वो आपसे बात करके मुझे फीलिंग आई और डेफिनेटली जब हमारी ऑडियंस ये शो देखेगी तो उन्हें भी ये फील आएगा, जो एक्टर्स दूसरे शो को देख रहे हैं अगर उनके साथ भी कहीं कुछ गलत हो रहा है तो बिना झिझक आपको अपनी बात बोलनी चाहिए, बिकॉज ये लोग भगवान नहीं है कि जैसा कि समझते हैं, बट मैंने वही अभी बोला आपको कि सच में आपकी लाइफ में सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो आप क्यों नहीं डर रहे हो किसी से, अगर ये नहीं तो कुछ और अच्छा होगा, इससे बेटर होगा,
जैसे तारक छोटे समय मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे पता था कि लाइफ में मुझे अच्छा ही होगा मेरे। वी होप कि मोनिका अब जल्द ही हमें फिर से स्क्रीन पर नजर आए और किसी पॉपुलर शो का या सीरीज का हिस्सा बने नजर आए और जल्दी फिर मैं आपसे मिलूंगा यस प्रमोशन के लिए। तो गाइस ये थी मोनिका भदौरिया जो बावरी का किरदार करते नजर आई थी हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे हम एक और नई सेलिब्रिटी के साथ।